Hello class 3, this is continued video of value chapter 7 determination. Welcome back. Let's start. One day when he was returning from school in the evening, he noticed an unusual thing. एक दिन जब वो अपने स्कूल से वापस लौट रहा था शाम में, तो उसने कुछ अलग देखा. He was walking down the village road. वो विलेज रोड की तरफ नीचे जा रहा था. It was a very stormy day. वो बहुत ही तूफानी दिन था. And it had rained the whole day very heavily. और उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश होती रही, काफ़ी तेज़ बारिश. Hence saw that the water of the lake was leaking through a very small hole in the wall. Hence ने क्या देखा कि वो जो वॉल थी जो लेक और विलेज के बीच में थी, वहाँ पे कहीं कुछ लीकेज है, वहाँ से जिसकी वजह से पानी लेक से निकल कर नीचे जा रहा है. क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हुई थी और तूफान भी आया था, तो लेक ओवरफ्लो कर गई थी. तो जब उसने वो लीकेज देखा, हैंस इमिडिएटली रियलाइज दैट इट कुड बी वेरी डेंजरस इफ द ओपनिंग वॉज नॉट ब्लॉक्ड. उसको तुरंत ये एहसास हो गया कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर जो लीकेज है उसको रोका ना गया. ही लुक्ड अराउंड बट फाउंड नो वन. उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा. He even called out loudly so that he could be heard if anyone was around, but no one came. वो बहुत तेज़ चिल्लाया हेल्प के लिए लेकिन उधर कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन पाए और उसकी हेल्प के लिए आ पाए. Help! 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 He understood that he would have to try and block the opening all by himself. Hence को समझ आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा, उसे ही उस लीकेज को रोकना पड़ेगा. He knew that if the water was not prevented from flowing through the opening, the wall would give way under the severe pressure of the water and there would be great disaster for the villagers. उसको पता था कि अगर उस जो लीकेज को नहीं रोका गया, जो वाटर वहाँ से फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, अगर उसको नहीं रोका गया तो क्या होगा, उसे वॉल के उस होल में से वहाँ से एंट्रेंस मिल जाएगा और फिर वो सारा पानी विलेज में जाएगा और फिर ये एक बहुत बड़ी आपदा हो सकती है विलेज वालों के लिए. सडनली हैंस सॉ दैट द होल वॉज बिकमिंग बिगर. अचानक से हैंस ने क्या देखा कि वो होल तो बड़ा हो रहा है. हैंस डिड नॉट वेस्ट टाइम. उसने बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं किया. He tried to stop the flow of water with his hand. उसने अपना हैंड लगा के उस फ्लो को, पानी जो बह रहा था उसको रोकने की कोशिश करी. Time passed. समय बीतता गया. The hole had now become bigger. अब वो जो छोटा सा होल था वो बड़ा होने लगा. So he was very tired and felt weak. Hence used his school bag to block it. उसने क्या किया, उसने अपना पहले हैंड से रोका फ्लो को, फिर उसने अपना स्कूल बैग लगा दिया होल पे. इट हैड बिकम डार्क बाय नाउ. अब अंधेरा होने लगा था क्योंकि वो तो वैसे ही शाम को लौट रहा था घर. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब करते करते अंधेरा होने लगा. ही वॉज़ वेरी टायर्ड एंड फेल्ट वीक. वो बहुत थक गया था और बहुत कमज़ोर फील कर रहा था. बट देर वॉज नो बडी कमिंग हिज वे हु हैंस कुड कॉल फॉर हेल्प. लेकिन उधर से कोई भी आदमी क्रॉस नहीं कर रहा था जिसको वो अपनी हेल्प के लिए बुला पाए. ही न्यू दैट इफ़ ही लेफ्ट नाउ देर वुड बी डेफिनेट डिजास्टर. उसे पता था कि अब अगर उसने वो जगह छोड़ी या अपनी कोशिशों को छोड़ा वहाँ पर और इधर उधर गया, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और कुछ भी हो सकता है, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है ये विलेज के लिए. I must wait here till the others come, thought Hans. Hans ने सोचा कि मुझे यहाँ रुकना ही होगा जब तक कि यहाँ पे कोई आ नहीं जाता. It was dark now. अब अंधेरा हो चुका था और जो तूफान था वो और ख़राब होता जा रहा था और तेज़ होता जा रहा था. Hans shivered with cold. Hans जब लड़का था तो वो ठंड से कांपने लग गया था.